सेव द अर्थ प्रोटेक्ट द अर्थ बोलते हैं, बट एक्चुअली सही में हमें सेव द ह्यूमंस बोलना चाहिए। डायनासोर की स्पीशीज थी, खत्म हो गई, ह्यूमन स्पीशीज भी खत्म हो जाएगी अगर हम अपने आप को बचाने के लिए आगे नहीं आएंगे। तो अर्थ अपने आप को बैलेंस कर लेगी, अर्थ को नहीं है जरूरत ह्यूमंस की, ह्यूमंस को जरूरत है अर्थ की। मेरा नाम मधुलिका चौधरी है, मैं इस लेक पे 2016 से काम कर रही हूँ। अब तक इस लेक को करीब 3 नेशनल अवार्ड्स और 3 स्टेट अवार्ड्स मिल चुके हैं। ये लेक स्विच वाटर लेक है, बट आप देख सकते हैं इस लेक में बहुत सारा बायोडायवर्सिटी है। लेकिन 2016 में ऐसा नहीं था, उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे जब मैंने लेक स्टार्ट किया, और ये बहुत बड़ा लीगेसी गार्बेज डंप यार्ड था। 2016 से लेके 2017 तक मेरे पास एक भी वॉलंटियर नहीं था जो कि आके मुझे सपोर्ट कर सके, और धीरे 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 करके हम करते चले गए, जिसमें मुझे गवर्नमेंट का सपोर्ट आया। और आज की डेट में ये है कि हमें सिर्फ वो 10 दिन होते हैं या 12 दिन होते हैं जब पानी की याद आती है, उसके बाद हम कभी नहीं सोचते कि उस पानी के साथ क्या हो रहा है। हम सिर्फ ब्लेम गेम करते रहते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, हम लोगों को ब्लेम करते हैं, पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते हैं, लेकिन एक बार आगे बाहर चेक करने की भी कोशिश नहीं करते। शायद हम खुद ही इस गंदे पानी के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हमें बस एसी में ही बैठे रहना है हर वक्त, तो फिर क्यों चाहिए हमें ग्रीन स्पेस और लंग स्पेस? कि भाई आप जो है वो आपको लगता है कि बस मैं अपना घर ही साफ कर सकता हूँ, मैं जो हूँ एनवायरनमेंट को कुछ भी गंदा नहीं करूँगा, मैं कुछ भी, तो ना आपका गणेश आपके घर से बाहर आना चाहिए, ना आपका कूड़ा आपके घर से बाहर आना चाहिए, ना आपका स्वेज आपके घर से बाहर आना चाहिए। उस केस में आपको भी बाहर आने की जरूरत नहीं, ना एनवायरनमेंट से कुछ लो और ना एनवायरनमेंट को कुछ दो। लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो तो ये सच में ज़रूरत है कि भाई आप बाहर आइए और क्लीनिंग ड्राइव करवाइए। आप हर वक्त बैठ के हर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आर्टिकल 51A ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें बताता है, हम सिटीजन्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने जो नेचुरल हेरिटेजेस हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। कोई भी आदमी सिर्फ एक बार सोच ले, 2-3 साल में वो एक छोटी सी लेक को बहुत सुंदर रूप दे सकता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि नेकनामपुर लेक इस टाइम पर बहुत सुंदर एक लेक बन गई है। इसमें कोई स्मेल नहीं है, फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं, 40,000 प्लांटेशन है, और 178 बर्ड्स आती हैं। आप मॉर्निंग में आके देखिए तो आपको इतनी बर्ड्स की हलचल सुनाई देगी कि आपको महसूस होगा कि भाई वाकई ये होता है एनवायरनमेंट। लेकिन उसके लिए आपको एनवायरनमेंट में आना पड़ेगा। एनवायरनमेंट को हम बहुत ही कम पैसे में रिस्टोर कर सकते हैं, लेक्स को हम बहुत कम पैसे में रिस्टोर कर सकते हैं। ये सीवेज वाटर, ये गार्बेज, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है किसके लिए हमें करोड़ों रुपए की जरूरत। मेरे जो कॉन्स्टेंट वीडियोस आपके साथ आते रहेंगे, मैं चाहती हूँ आप प्लीज़ उनको देखिए, कैसे इस नेकनामपुर लेक को मैंने बहुत ही कम पैसे में रिस्टोर किया। मैं आप सब लोगों से वो शेयर करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि कोने कोने में आप लोग सब लोग आएँ और अपने जितने भी नदी नाले रिवर हैं उसको बचाएँ। तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि प्लीज़ इन वीडियोज़ को देखिए, इनके लिए हमें कमेंट्स दीजिए और हमें गाइड करिए, और जानिए कि कितने कम पैसे में कितनी सुंदर लेक बनाई जा सकती है।
थैंक यू।